नमस्कार, बॉबी झा MNS न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं आज की बड़ी खबर। दीदी का पीएम मोदी पर वार, क्या एक भी राम मंदिर बनवाया। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने पीएम मोदी के जय श्री राम के नारे को लेकर उन पर वार किया है और कहा कि चुनाव का समय आते ही उन्हें राम की याद आ जाती है। उन्होंने सवालिया लहजे में कहा कि क्या पीएम रहते हुए उन्होंने एक भी राम मंदिर का निर्माण किया। ममता एक रैली को संबोधित कर रही थी जब उन्होंने राम मंदिर और जय श्री राम के नारे को लेकर पीएम मोदी पर तंज कसा। उन्होंने कहा, बीजेपी बाबू, आप जय श्री राम का नारा लगाते हैं, लेकिन क्या आपने एक भी राम मंदिर बनवाया है। चुनाव का सामने आते ही रामचंद्र आपकी पार्टी के एजेंट बन जाते हैं और आप कहते हैं रामचंद्र मेरे चुनाव एजेंट है। आप जय श्री राम कहते हैं और अन्य लोगों पर भी ऐसा करने के लिए दबाव बनाते हैं। ममता एक रैली को संबोधित कर रही थी जब उन्होंने राम ममता की यह टिप्पणी पीएम मोदी के यह कहे जाने के बाद आई है कि दीदी जय श्री राम का नारा लगाने वाले लोगों को गिरफ्तार करवा दिया। पश्चिम बंगाल के झाड़ग्राम में सोमवार को एक रैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने पश्चिम बंगाल की सीएम को उन्हें गिरफ्तार करने की चुनौती दी। कार्तिक चिदंबर को राहत, सुप्रीम कोर्ट ने अमेरिका, स्पेन और जर्मनी जाने की इजाजत दी। जानकारी के अनुसार मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को पी चिदंबर के बेटे कार्तिक चिदंबर के राहत देते हुए अमेरिका, स्पेन और जर्मनी जाने की छूट दे दी है। कार्तिक चिदंबर को मई और जून में इन देशों में जाना है। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली बेंच ने इस मामले में सुनवाई करते हुए 10 करोड़ रुपए बतौर सिक्योरिटी भी जमा करने को कहा है। जानकारी के अनुसार यह मामला 305 करोड़ रुपए से जुड़ा हुआ है। इस मामले की जांच ईडी सहित सीबीआई कर रही है। जांच एजेंसियों ने इस मामले में भारतीय सहित उनकी कंपनी चेस मैनेजमेंट सर्विसेज पीटर मुखर्जी और इंद्रानी मुखर्जी, जानकारी के अनुसार एडवांटेड रजिस्ट्रेड कंसल्टिंग सर्विस और इसके डायरेक्टर पद विश्वनाथम के खिलाफ FIR दर्ज कराया है। तो MNS न्यूज लाइव की खबर देखने के लिए आज प्ले स्टोर से MNS हिंदी ऐप डाउनलोड करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।